अरनाज के बीच में आजकल लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा होने लगे हैं। इनका पैचअप नहीं होता है कि उसके कुछ टाइम के बाद इनका झगड़ा हो जाता है। एक बार फिर से सिद्धार्थ के बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल घर के अंदर पैराशूट वाला टास्क चल रहा था, जहां पर आसिम और सिद्धार्थ को बेचना था उनके पास जो घर वाले थे उन्हें। तो यहां पर आसिम के पास शहनाज थी तो सिद्धार्थ के पास भारत। तो यहां पर लॉयल्टी और फ्लिप को लेकर सिद्धार्थ ने कहा कि इंसान के फ्लिप करने से उसका कैरेक्टर का पता चलता है। शहनाज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि कितना घटिया है तू सिद्धार्थ, एक टास्क जीतने के लिए किसी के कैरेक्टर को लेकर तू ऐसी बातें करता है। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ यूज किया ही नहीं। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही है, तेरे कैरेक्टर का पता चलता है तेरे फ्लिप करने से और तू लॉयल नहीं है, ये बात मैं क्लियरली बोलता हूँ। इस पर शहनाज ने कहा कि फ्लिप यहाँ पर हर कोई मारता है, यहाँ पर किसका क्लियर नहीं है, यहाँ पर किसी का कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है शरेआम किया है, शरेआम कहा है और यहाँ पर सबके सामने मेरा कच्चा चिट्ठा है, किसी से छुपा के नहीं रखा है मैंने। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि अच्छी बात है ना, और मुझे तो सब बात करनी भी नहीं है, और तू लॉयल नहीं है और ना ही कभी होगी, मुझे तुझ पर ना आज ट्रस्ट है और ना ही कल को होगा। इस पर शहनाज ने कहा कि तूने मेरे लिए मेरे कैरेक्टर को लेकर नेगेटिव बोला एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एवरी टाइम एंड यू सिद्धार्थ शुक्ला जस्ट गो हेल्प विद योर फ्रेंड्स एंड डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। इस तरीके से शहनाज इस दौरान काफी नाराज नजर आती है और कहती है कि जो कुछ भी तूने किया उसके लिए हैट्स ऑफ, एक टास्क जीतने के लिए तू अपने दोस्त के साथ उसकी कैरेक्टर को लेकर ऐसी बातें करता है, वेरी गुड। बिग बॉस के टेढ़े सीजन के और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।